असलम स्टूडेंट दिस इज़ क्लिप नंबर फाइव वीक सिक्स ऑफ असम्बली लैंग्वेज अच्छा हम अभी तक बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल ऑपरेशन को देख चुके हैं मैं क्विक एक रिव्यू दूँगा क्योंकि अभी हम पाँचवें क्लिप में हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको अब थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं uh, ये जो हमारा uh, ये जो हमारा ये वाला लेसन है इसमें बेसिकली हमने लॉजिकल ऑपरेशन को देखा और हमने ये देखा कि हम इन लॉजिकल ऑपरेशन को असेंबली uh, लैंग्वेज में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ठीक हो गया और हमने हम चले एंड और एक्सक्लूसिव वॉर वगैरह हमने देखा फिर हम आए शिफ्ट पर और हमने शिफ्ट की अप्लीकेशनस uh, देखी फिर हम uh, हमने शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट की भी हमने देखा अब फाइनली हम आ गए रोटेट पर ठीक है रोटेट uh, हमारे पास जैसे हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट होता है इस तरह रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट भी होता है ठीक है uh, ये हमारे पास uh, बड़ा सिंपल सा एक uh, है फ़र्क शिफ्ट और रोटेट में इतना ही है जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास अगर हमारे पास 16 बेड्स यानी हमारे पास एक वर्ड होगा तो उसमें होगा क्या कि हमारे पास तमाम बेड्स जैसे हमारे पास शिफ्ट लेफ़्ट होती थी वो वन वन पोजिशन चली जाएंगी लेफ़्ट और जो हमारे पास एम होगी या मोस्ट सिग्निफिकेंट बेड होगी एक उसकी कॉपी चली जाएगी ज़ीरो बेड पर यानी वो ड्रॉप नहीं होगी और वो एक उसकी कॉपी चली जाएगी कैरी फ्लैग में यानी कैरी फ्लैग जो हमारी एम होगी उसे रिटेन करेगी और रोटेट में ये वाली जो बिट है ये आपकी ज़ीरो नंबर लोकेशन पर भी आ जाएगी सिमिलरली सेम थिंग विल हैपन इन बाइट यानी अगर मेरे पास एट बिट का रजिस्टर है तो उसमें भी हमारे पास क्या होगा एक एक बिट चली जाएगी और इसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये सेवंथ लोकेशन पर जो होगी उसकी एक कॉपी कैरी फ्लैग में चली जाएगी और एक यहाँ पर आपके पास ज़ीरो नंबर लोकेशन पर आ जाएगी तो रोटेट ऑब्वियसली एज़ द नेम सजेस्ट्स कि हमारे पास ये रोटेट हो रहा है शिफ्ट शिफ्ट में हमारे पास वो लास्ट बिट वापस नहीं आती थी ठीक हो गया इसका अगर हम साइंटिक्स को देखें तो इसका साइंटिक्स जो है इट इज़ द सेम हम एक रोटेशन भी कह सक कर सकते हैं हम मल्टीपल रोटेशन भी कर सकते हैं ये जो बातें हमने कही हैं ये यहाँ पर लिखी हुई है आप इनको पढ़ लेना अच्छा सिमिलरली हमारे पास रोटेट राइट भी है और अब आपको रोटेट राइट को समझने में ऐसा जितना मसला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आप देखें रोटेट राइट में भी हमारे पास इट इज़ द सेम साइंटिक्स भी सेम है यहाँ पर हम वन बिट को कर रहे हैं यहाँ पर हम मल्टीपल बिट्स को भी कर सकते हैं जितनी हमारे पास सी में वैल्यू होगी और यहाँ पर जो हमारी सिर्फ फ़र्क इतना है जो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी क्योंकि हम यहाँ रोटेट तो तमाम बिट्स क्या होंगी वन वन बिट राइट की तरफ मूव uh, करती जाएंगी शिफ्ट होती जाएंगी और जो हमारी लास्ट बिट होगी यहाँ पर यानी जो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वर्ड में जीरो नंबर बिट वो चली जाएगी फिफ्टी नंबर पे और हमारे पास जो कैरी और इसकी एक कॉपी हमारे पास कैरी फ्लैग में भी चली जाएगी अगर ये वन है तो यहाँ पर वन हो जाएगा अगर ये ज़ीरो है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास जीरो आ जाएगा ठीक हो गया सिमिलरली सेम थिंग विल हैपन इन बाइट ये सारी चीज़ें ऐसे ही होंगी और जो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी यानी जीरो नंबर बिट वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे चली जाएगी और उसकी एक कॉपी हमारे पास कैरी फ्लैग में चला जाएगा ओके अच्छा अब आ, एक इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल है जो यहाँ पर हम ज़रा डिस्कस कर रहे हैं आ, हमने रोटेट लेफ्ट को यूज़ करते हुए ठीक है आ, हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास बी एक्स में बी एक्स में हमारे पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं ठीक है यानी हम ये काउंट करना चाह रहे हैं कि उसके नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं और हमारे पास कंडीशन यहाँ पर क्या है कि हमने जो बी एक्स की वैल्यू है उसे चेंज नहीं करना ठीक है और हमारा आंसर फिर बाद में अल्टीमेटली हमें ए एक्स में डाल देंगे ठीक हो गया यानी काउंट का आंसर है कि हमारे पास नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं ठीक है अच्छा तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं इस कोड को फिर यहाँ पर डिस्कशन भी कर लेंगे साइड बाय साइड अच्छा हमने एक्सक्लूसिव वॉर कर दिया एक्स को ये आज ही हमने देखा है कि अगर हमने कोई वैल्यू को क्लियर करना हो तो हम एक्सक्लूसिव वॉर पे कर लेते हैं ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर जो वो डायग्राम था वो बेसिक चीज़ जो थी आपको याद है कि आपके पास क्या होना चाहिए एक्सक्लूसिव और अगर ठहरें कहाँ गया चलिए आप ये करके देख लेना अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा तो यहाँ पर ये यह होता है कि अगर आप सेम वैल्यू के साथ किसी भी वैल्यू को एक्सक्लूसिव और कर दे तो वो क्या हो जाता है वो वैल्यू क्लियर हो जाती है ठीक है तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं हम इसको क्लियर कर रहे हैं यानी इस ये ऑपरेशन करने के बाद आपके पास जो एक्स की वैल्यू होगी अब उसमें ज़ीरो हो जाएगा ठीक है यानी अब उसमें कुछ नहीं होगा ओके अब चूँकि हमारे पास बी एक्स जो है वो सिक्सटीन बिट्स का रजिस्टर है तो हमारे पास ये हमें और हर बिट को हमने देखना है कि वो वन है या ज़ीरो है और हमने वन को काउंट कर लेना है और ज़ीरो को हमने इग्नोर कर देना है तो इसलिए हमारे पास हमें सिक्सटीन टाइम्स चेक करना पड़ेगा सो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर जो लूप चलाया है वो हमने सिक्सटीन टाइम्स चलाया है ठीक हो अच्छा सही हमने सी में डाल दिया अच्छा अब हमने रोल को देखा ठीक है uh, अब हमारे पास तो हमारे पास हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास बी एक्स में एक सिक्सटीन बिट की वैल्यू पड़ी हुई है इट कैन बी एनी वैल्यू सिक्सटीन बिट की होगी और हमारे पास कैरी फ्लैग अभी यहाँ पर इसमें ज़ीरो है सही है अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं हम हमने रोटेट लेफ्ट जब किया तो आपको पता चलेगा अभी फ़िलहाल जो हमारे पास पहली हमारे पास ये रो है ये अभी दैट इज़ द इनिशियल स्टेट अभी यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं हुई जो हमारे पास ये सेकेंड रो आ रही है आपके पास यहाँ से ठीक है यहाँ से तो यहाँ से रोटेशन स्टार्ट हुई जैसे ही हमारे पास रोटेशन स्टार्ट हुई तो हुआ ये कि हमारे पास जो ये वन था ये आगे इसकी ये कॉपी इधर आ गई ठीक है यानी इधर आ गई और एक इसकी कॉपी यहाँ पर आ गई ठीक है और हर हर बिट यहाँ पर क्या हो गई वन वन बिट मूव करती गई शिफ्ट हो गई और ये फाइनल को ये जो एक इसकी वन की थी ये आपके पास यहाँ पर आ गई ठीक है अब इसके बाद क्या हुआ हम यहाँ पर देख रहे हैं हमने एक जंप लगाई है और वो जंप ये है कि अगर यहाँ पर ये यह देख लें जंप इफ़ नो कैरी ठीक है ये आप तब जंप लगाएं जब हमारे पास कैरी ना हो यानी हमारे पास कोई कैरी नहीं आया लेकिन अभी हमारे पास सी में क्या आ गया है वन आ गया है यानी बिट जीरो पर आपने अगर कैरी की वैल्यू क्या है कैरी फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो है तो फिर आप क्या करें जंप लगा दें ठीक है लेकिन अभी हमारे पास तो ये वन आ गया तो हम यहाँ हमारी ये जंप नहीं लगेगी हमारी कंडीशन छू नहीं होगी तो हम क्या करेंगे ए, ए, एक्स को हम क्या कर देंगे इंक्रीमेंट कर देंगे एक्स को इंक्रीमेंट करने का ये मतलब है कि इसमें पहले क्या था आपके पास जीरो पड़ा हुआ था यहाँ पर आप देखें अच्छा अब चूँकि इसमें क्या हो गया वन ऐड हो गया तो हमारे पास अब एक बिट हमारे पास काउंट हो गई ठीक है और हम कहाँ चले गए हम हमने यहाँ पर कोई जम नहीं, नहीं लगाई हम नेक्स्ट के लेबल पर आ गए नेक्स्ट के लेबल पे हमने कहाँ कहाँ जाना है दोबारा टॉप पर जाना है तो हमारे पास अब लूप का आपको पता ही है कि हमारे पास ये दो काम करता है ये जंप भी लगाता है जो भी डिफाइंड लेबल होता है दूसरा ये क्या काम करता है कि ये डिक्रीमेंट कर देता है सी एक्स की वैल्यू तो अब हमारे पास फिफ्टीन बिट्स हमने चेक करनी है हमारे पास एक बिट चेक हो गई ठीक है अब जब हम दोबारा इधर आएंगे तो हमारे पास फिर हम बी एक्स की वैल्यू को वन रोटेट करेंगे लेफ़्ट ठीक है अच्छा अब मैंने ये सारा नहीं किया वह सिर्फ मैंने आपको सिर्फ समझाने की कोशिश की है कि कहाँ पर जंप लगेगी अब जब हमने रोटेट किया तो अब हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे क्या था जीरो था ठीक है तो ये जब ज़ीरो इधर आएगा और इसकी ये कॉपी यहाँ पर चली जाएगी जैसे आपको नज़र आ रहा है और एक एक बिट आगे आगे ये मूव होता जाएगा ठीक है ये आप देख लेना आप चेक भी कर लेना अब जब हम यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ पर क्या आएगा कि कैरी नहीं हुआ तो हम हमारी क्या लगनी है हमने जंप लगनी है ठीक है जब हम जंप लगेंगी हम कहाँ पे चले जाएंगे नेक्स्ट पे चले जाएंगे नेक्स्ट पे जाने का मतलब ये है कि हमारे पास ए एक्स में इंक्रीमेंट नहीं होगा तो हमारे पास एक और बिट चेंज चेक हो गई क्योंकि जब हम लूप में जाएंगे तो हमारे पास सी एक्स की वैल्यू फिफ्टीन हो गई थी फिफ्टीन हो गई थी अब वो क्या हो जाएगी फोटीन विदाउट इंक्रीमेंट एंड दिस इज़ हाउ ये लूप चलता जाएगा और हमारे पास सोलह की सोलह बिट क्या हो जाएंगी हमारे पास चेक हो जाएंगी और जब ये सोलह टाइम्स ये रोटेट हो जाएगा तो यहाँ पर एक और चीज़ आएगी और वो चीज़ ये है कि हमारे पास जो बी एक्स की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी कैसे नहीं चेंज होगी क्योंकि जब ये सिक्सटीन रोटेशन हो जाएंगी तो हम वापस फर्स्ट वाले यानी इस वाले पर पहुँच जाएंगे यानी सिक्सटीन टाइम्स एक रजिस्टर की वैल्यू चेंज करें क्योंकि साइज़ ऑफ द रजिस्टर भी सिक्सटीन ही है तो वो एज इट इज़ वही वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्लियर हो गया आई होप कि इसमें कोई मसला नहीं होगा ठीक है ये अगर आप अपनी आ, उसके लिए ड्राई रन के लिए कम्प्लीटली इसको आप बनाना चाहें बनाए और फॉर अ गुड प्रैक्टिस ये आपको करना चाहिए कि आपको बेहतर तरीके से समझ आए अच्छा आ, फिर हमारे पास आ जाता है रोटेट कैरी लेफ्ट ठीक है अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं ये रोटेट लेफ़्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है रोटेट लेफ्ट से ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास एक कॉपी कैरी फ्लैग में चली जाती थी और एक कॉपी ली सिग्निफिकेंट बिट पे आ जाती थी लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पर कॉपी जो है ना कैरी फ्लैग में जा रही है और फिर वहाँ से यहाँ पर जा रही है ठीक है यहाँ पर आप देख लें ठीक है ये आपको समझ आ जाएगी ठीक है जो हमारे पास द प्रीवियस वैल्यू ऑफ सी एफ़ यहाँ पर जो प्रीवियस वैल्यू जो भी uh, थी कैरी फ्लैग की वो आगे जाएगी यहाँ पर ये यह नहीं होगा कि ये वाली दो वैल्यूज़ जाएंगी ठीक है जो हमारे पास जैसे अभी इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर आपके पास ये रोटेट होगा तो ये ज़ीरो इधर आ जाएगा यहाँ पर तो वन आ गया ना ये वन नहीं आएगा इसमें रोटेट कैरी लेफ्ट में वहाँ पर क्या आ जाएगा ज़ीरो जो ज़ीरो कैरी फ्लैग की वैल्यू होगी वो यहाँ पर मूव कर जाएगी ठीक हो गया और इसके भी आपके पास जो साइंटिक्स हैं वो सेम है आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं सिमिलरली इसी तरह ये वर्ड पे भी चलेगा और बाइट पे भी चलेगा फिर हमारे पास ये लास्ट है रोटेट कैरी राइट इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट रोटेट होगी और वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी जो हमारे पास प्रीवियस कैरी फ्लैग की वैल्यू होगी वो आपके पास यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट पे आ जाएगी एंड सिमिलरली ये होगा ओके स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो है वीक uh, सिक्स का क्लिप नंबर फाइव एंड होता है आई uh, होप कि आपको समझ आया होगा इसमें कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू आस्क मुझे उम्मीद है कि जितनी हमने डिटेल में डिस्कशन की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन स्टिल यू कैन आस्क थैंक यू अल्लाह हाफ जी